तीन ऐसे हादसे जिनसे आपको बहुत ज्यादा हंसी आने वाली है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर एक, चाइना के एक शहर में एक कैदी को बहुत सालों बाद जेल से रिहा किया गया। कैदी रिहाई के फौरन बाद अंधेरा होने पर एक घर में चोरी करने के लिए घुसा। कुछ देर बाद इस घर में रहने वाली एक बूढ़ी औरत ने उसे चोरी करते हुए देखा। ये औरत उसे देखकर समझ गई कि आदमी थका हुआ है। इस औरत ने इसे बेड पर कुछ देर आराम करने के लिए कहा और इसके लिए गर्म दूध भी लेकर आई। वो दूध पीने के बाद आराम से बेड पर लेट गया। बूढ़ी औरत ने दरवाजा लॉक किया और पुलिस को बुलाया और पुलिस ने उसे दोबारा जेल में लाकर बंद कर दिया। नंबर दो, 2012 में एक पागल नजर आने वाली लेडी मॉल के लोगों पर गोली चला रही थी। वहां पर खड़े जॉन नामी शख्स को समझ आ गया कि यहां किसी प्रैंक की शूटिंग हो रही है। जॉन हीरो की तरह लेडी के पास गया और इसके हाथ से बंदूक छीनी और वापस अपनी जगह पर आ गया। बाद में जब पुलिस ने इसे पूछा कि आपको इन गोलियों से डर नहीं लगा, तब जॉन को पता चला कि ये किसी प्रैंक की शूटिंग नहीं बल्कि लेडी तो असली में गोली चला रही थी। सर, आप इतने बहादुर कैसे बन गए? नंबर तीन, 2022 में बिहार के पटना कोर्ट में केस की कार्रवाई चल रही थी। जज ने पुलिस को सबूत पेश करने को कहा तो पुलिस सबूत के तौर पर असली बॉम्ब को ही कोर्ट में ले आई। बॉम्ब अंदर ही ब्लास्ट हुआ लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ। बाद में पूछने पर पुलिस ने बताया कि हमसे बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो रहा था तो इसलिए सीधा यहीं लेकर आ गए।